आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर वन और मिनिस्टर नंबर एट वाले लोगों के विषय में कि ये लोग कैसे होते हैं, इनका व्यवहार कैसे होता है, जीवन में कितनी तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर से जुड़ी, किंग नंबर वन और एट से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध हस्ती जिनका नाम है अक्षय खन्ना, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1975। तो यदि हम इनका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है वन और मिनिस्टर नंबर आता है एट। यदि आप लोग किंग नंबर और मिनिस्टर नंबर निकालना अब तक नहीं जानते हैं तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो, न्यूमरोलॉजी की फर्स्ट वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नई चर्चा जिसमें कि हम लोग बात करेंगे किंग नंबर वन और एट नंबर जो मिनिस्टर नंबर है वे लोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जब सूर्य की हम बात करते हैं तो वो हमें देता है आत्मविश्वास, सूर्य हमें देता है हमारे जीवन में प्रकाश, सूर्य हमें देता है बात करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता और आत्मविश्वास। उधर अगर हम आठ नंबर के साथ देखते हैं तो ये नंबर आता है शनि का। तो शनि क्या है? शनि है धीरे धीरे चलने वाला एक प्लेनेट। सूर्य क्या है? केंद्र है, केंद्र है प्लैनेट्स का, राजा है प्लैनेट का। और जहां हम शनि की बात करते हैं तो पिता और पुत्र का, इन दोनों का रिलेशन होता है, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग होती है। सूर्य अगर हमें प्रकाश देता है तो शनि हमें क्या देता है? अंधकार देता है। जहां एक ओर दिन है तो दूसरी ओर रात है। तो इस टाइप की वाइब्रेशन लिए हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जहां एक ओर सूर्य का प्रकाश उनकी जिंदगी में है तो शनि का अंधेरा भी उनकी जिंदगी में है। तो ये किस टाइप का वाइब्रेशन है आप लोग महसूस कर सकते हैं, एक तरफ प्रकाश और एक तरफ अंधेरा, एक तरफ बहुत तेज काम करने की क्षमता, दूसरी तरफ धीरे धीरे डिसीजन लेने की क्षमता। तो जब ये कॉम्बिनेशन, जब ये वाइब्रेशन व्यक्ति के जीवन में आता है तो उनके जीवन में क्या होता है, एक उथल पुथल होती है। जब भी कोई प्रोजेक्ट, जब भी कोई कार्य वो अपने जीवन में करते हैं तो एक तरफ तो वो माइंड से सोचते ही सोचते रहते हैं और काम को करना नहीं चाहते, मतलब शनि उनके काम को मध्यम करता रहता है, और कम, क्यों? सोचता ज्यादा है, काम कम करता है। उधर सूर्य का नेचर क्या है कि उठो और काम करो, लेकिन ऐसा शनि नहीं होने देते। तो इस टाइप का जो नेगेटिव वाइब्रेशन अभी तक आप लोग समझ रहे हैं, अब इसके अंदर पॉजिटिव क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए, जहां सूर्य हमें काम करने का उत्साह देता है तो वहां शनि हमें मेहनत करने का जज्बा देता है, मेहनत करने की ताकत देता है। तो अगर आप ये सोचो कि इस टाइप के व्यक्ति बहुत नीचे रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये अपनी वाइब्रेशन को समझ जाएं कि हमें अपने जीवन में करना कैसे है, इसका उपयोग क्या करना है, तो बल्ले बल्ले है। मतलब अगर हम सूर्य की ताकत को, शनि की मेहनत को आपस में मिला दें तो ये लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। कैसे मिलाया जाएगा? देखिए, जब सूर्य किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करने को कहता है तो शनि उसके ऊपर विचार करता है, सूर्य कहता है तेजी से आगे बढ़ो, शनि कहता है हमें सोच के चलना है। इन दोनों को एक साथ मिलाइए तो जब ये लोग बैठते हैं किसी काम को करने के लिए तो बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं, और आप इनके काम में जरा सी भी, बहुत सुई के बराबर भी मिस्टेक नहीं निकाल सकते, इतने अच्छे से ये काम को करते हैं। लेकिन अगर काम करते वक्त मान लीजिए अधूरा काम है और ये अपने किसी दोस्त से राय ले लेते हैं कि बताओ इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, बस वो राय देगा, अरे आपने तो यहाँ गलत कर दिया, और ये कंफ्यूज्ड हो गए। तो इनको क्या करना होगा? इनको अपने अनुसार ही काम करना होगा। मतलब शनि कहता है इतना विचार देता है और सूर्य जल्दी, तो इसे किसी की राय नहीं माननी चाहिए, इसको तो जो करना है अपने विवेक से करें, तो ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। देखिए, इसको आप समझो, इसकी समझने की कोशिश क्या है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है, जीवन में जल्दी तरक्की करना चाहता है। लेकिन आठ नंबर जब किसी भी अंक और खास तौर से वन नंबर के साथ जुड़ जाता है तो वो उसको डिले कराता है। इनको जीवन में सफलता 35, 36, 38 साल के बाद ही मिलती है, लेकिन जब सफलता इनको मिलती है तो वो इतनी मजबूत होती है कि कोई इन्हें पीछे नहीं कर सकता। अब हम लोग बात करेंगे
इनकी एजुकेशन के बारे में, इनको कौन सी टाइप की एजुकेशन लेनी चाहिए। देखिए हमारे पास तीन टाइप की एजुकेशन है। सबसे बड़ी बात है साइंस में जाएं, कॉमर्स में जाएं या आर्ट्स में जाएं। अगर ये लोग साइंस में जाते हैं तो इनके लिए ये फील्ड अच्छा है, क्यों, ये लोग अगर आप इसके वाइब्रेशन को समझने की कोशिश आपने की होगी तो समझ गए होगे, ये लोग एवरेज स्टूडेंट होते हैं। कोई भी क्लास, कोई भी साइट, चाहे साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में, किसी में ही जाएं, ये अच्छे से पढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कभी भी क्लास के टॉपर्स में इनकी गिनती नहीं होती आसानी से। जब ज़्यादा मेहनत करते हैं शनि इनको पीछे करना शुरू कर देता है, तो धीरे 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 ये आगे बढ़ते हैं। अपने प्रोफेशन के लिए जब हम लोग बात करते हैं, कौन सा प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इंटीरियर डेकोरेटर ये अच्छे हो सकते हैं, अच्छे फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कोई सा भी फील्ड ये चुने। लेकिन खास बात इनके लिए क्या है कि इनको करना वही है जो इनका मन करे, ये किसी के अनुसार नहीं चलना चाहते, क्यों, इनको किसी के अनुसार चलना भी नहीं चाहिए, अपनी अपने विवेक से इनको काम करना चाहिए। दूसरी बात, अब हम इनके जीवन में लव एंड रोमांस के लिए बात करते हैं, तो ये लोग कैसे होते हैं, देखिए ये हमेशा पीछे चलने वाले लोग होते हैं। अगर इनको कोई, मान लीजिए कोई इनको पसंद भी है, तो ये चाहते क्या है कि दूसरा इनका कोई दोस्त इनके साथ जाए, उस सब इसकी बात कराए, इस टाइप की इनकी टेंडेंसी होती है। शर्मीले टाइप के लोग होते हैं, पीछे रह के काम करते हैं, तो ये क्षेत्र इनके लिए नहीं होता। अब ये देखते हैं कि इनकी वाइफ कैसी होती है, जब इनकी अरेंज वगैरह मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है, तो ये इस रिलेशन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया ढंग से निभाते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि इनके जीवन में शांति रहती है, कोई ज़्यादा झगड़ा वगैरह नहीं होता, हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं लोग। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन इनका अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रहता है। अब हम लोग आपसे बात करते हैं कौन से वो नंबर हैं जो इनको बहुत अच्छे होते हैं। देखिए तीन नंबर इनके लिए बहुत अच्छा है, 3 नंबर, 5 नंबर बुध का, जो कि बहुत अच्छा होता है, शनि का भी दोस्त है और सूर्य का भी दोस्त है। उधर शुक्र मतलब 6 नंबर भी इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कलर की, तो इनके लिए ना तो सूर्य का, प्योर सूर्य का कलर बहुत अच्छा नहीं रहता, व्हाइट कलर इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता, तो उधर शनि का ब्लैक कलर भी इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। बाकी जो कॉम्बिनेशन है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, ये पिंक कलर है, ये लोग यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। अब मैं आपको इसकी एक ऐसी वाइब्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए इन लोगों की लाइफ में होता क्या है, जब ये किसी पार्टी में जाते हैं, किसी की बर्थडे में जाते हैं, या कुछ ऐसे लोगों के साथ जाते हैं जो उनके रिलेटिव हैं, तो ये वहाँ ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ये रीज़न क्या है, ये रीज़न है, ये टेंडेंसी है शनि की। शनि क्या है, मध्यम चलता है, बोलता कम है, लेकिन सूर्य उसके अंदर जो आत्मविश्वास देता है उसको भी शनि ढक देता है। तो इनको क्या करना चाहिए, जब ये किसी उसमें जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, तो अच्छे से इन लोगों से घुल मिलकर बातचीत करनी अवश्य चाहिए। इन लोगों का एक और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर इन्होंने मेहनत करके एक सफलता को हासिल कर लिया, तो उस मुकाम पर पहुंचने के लिए इनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत के बाद जब ये वहाँ पहुंच जाते हैं, तो फिर ये एक घुटन सी महसूस करते हैं कि देखो कहीं ऐसा ना हो मैं नीचे चला जाऊँ। इस तरीके से के लोगों के लिए हम कहते हैं कि इनकी इच्छाएं तो बहुत हैं आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की, बहुत आगे जाने की, लेकिन इनके पैरों में एक तरीके की बेड़ी जड़ी हुई होती है। तो इनको क्या करना होगा, इनको इस वाइब्रेशन से आगे निकलना पड़ेगा, मतलब इनको ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये जो बेड़ियां मैंने अपनी पैरों में डाल रखी हैं वो केवल काल्पनिक हैं, जरा सी मेहनत करो और आगे बढ़ो। क्यों, क्योंकि सूर्य का आत्मविश्वास और शनि की मेहनत, अगर हम दोनों को एक साथ जोड़कर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, तो ये लोग बहुत आगे जाते हैं। इनके लिए जो सबसे अच्छा टिप है वो क्या है, अपने पिता की सेवा करना। अक्सर मैंने ये देखा है कि 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें पिता और पुत्र की बहुत अच्छे से आपस में वार्तालाप नहीं होती, मतलब पिता अलग चल रहा है, पुत्र अलग चल रहा है, जो थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर ये अपने पिता का सम्मान करेंगे या पिता तुल्य लोगों का सम्मान करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, तो यहाँ पर
शनि इनको आगे की ओर ले जाता है, सूर्य भी प्रसन्न होता है। तो इस तरीके की इनके लिए बहुत अच्छा टिप है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वन और एट का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे रहा है, तो कुछ ऐसे टिप्स जो खुद आपके लिए स्पेशल होंगे, तो उन टिप्स के साथ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम इससे संबंधित हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर वगैरह पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।